ओ हिंसा नहीं हिंसा नहीं हिंसा नहीं। सो व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मारा पीटी नहीं करने का, नहीं मारा पीटी करने का। चुप हो जा। सो गाइस आज के वीडियो में क्या करने वाले, बेसिकली लास्ट टाइम मैंने मतलब कल का वीडियो अपलोड किया था, सस्पेंशन हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया था, बट हाइट मेरे को भी थोड़ी बहुत कम लग रही थी एंड आप लोग मैंने भी बहुत लोग ने कमेंट किया कि हाइट थोड़ी सी और बढ़ाओ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा सा हाइट और बढ़ाने वाले। पट्टी मैंने कट करके निकाल ली है, जो पट्टी हम लोग ने कल वेल्ड की थी यहाँ पर हम लोग ने पट्टी निकाल ली है और अभी इसको फिर से जो है वेल्डिंग करेंगे। और वेल्डिंग इस बार ऐसा करेंगे कि हाइट प्रॉपर है, क्योंकि हाइट में लास्ट टाइम दिक्कत आई थी और वही दिक्कत सॉल्व करने के लिए अपने पट्टी फटाफट वेल्डिंग कर लेंगे, क्योंकि आज बाइक का टेस्ट राइड भी लेने का है, चेन भी हल्का टाइट करने का है। भाई तो बहुत काम है आज, कैसे बाइक को जो है चला के देखने का है कि प्रॉपरली सारी चीज़ें काम कर रही कि नहीं, क्योंकि वायरिंग देख रहे हो कैसे सब लटकी हुई है, सब प्रॉपर करने का है। तो फटाक से मैं जो है ये वाला हिस्सा वेल्ड कर लेता हूँ एंगल देख के थोड़ा सा सही करके, और उसके बाद जो है अपने कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप जो है टाइम लग सको। सो गाइस हम लोग कब से ट्राई कर रहे थे, आपने देखा टाइम लैप्स में कि वेल्डिंग करके ये वाली चीज़ को अलाइन करने के लिए, बट सेम पट्टी पे नहीं हो रही है। पट्टी का जो है मेजरमेंट चेंज हो चुका है, क्योंकि ऊपर हाइट की है हम लोग, एंड उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, नीचे हम लोग ने ब्लॉक रख दिया है ताकि कि हम लोग एक लेवल पता चले, और अभी जाके पट्टी बना के लेके आते हैं। और साथ ही में हैंडल में होल करवाने का है ताकि कि एक्सीलेटर वो सब काम करे, टेस्ट राइड लेने बाइक की इसलिए। तो यार वो सारी चीज़ें करनी है, तो वो कर भाभी का भी फटाफट पट्टी बना के लेगा, और चेन में हल्का काट के छोटा कर देता हूँ। अभी देखता हूँ आपके कितना काटना चाहिए, क्योंकि चेन बहुत ज़्यादा लंबा है, उसे छोटा करना ज़्यादा ज़रूरी भी है। और थक गया हो यार बहुत ज़्यादा बैठे बैठे, ऐसा कमर अकड़ गई है। आपने टाइम लैप्स देखा होगा 45 सेकंड्स का, पर हम लोग कम से कम एक घंटे से इसमें मत रहे। तो गाइस बूशिंग में फिर से हम लोग थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे बूशिंग कर रहे भैया, वापस से कट कर रहे उसको, मतलब जो पट्टी था उसको, क्योंकि सस्पेंशन हम लोग ने फिट कर दिया बट वो वर्किंग नहीं था, क्योंकि एंगल नहीं बन रहा था। सस्पेंशन थोड़ा सा ना ऐसा रहना चाहिए स्लांट, बट एकदम स्ट्रेट था। स्ट्रेट सस्पेंशन कभी भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है, स्लांट ही रहना चाहिए हल्का, इसलिए अभी जो है फिर से वेल्डिंग करके लेंगे। बट की पीछे से बाइक देखो, बाइक का क्या लुक आ रहा है। सो गाइस पीछे से जितना हाइट बढ़ाना था बढ़ा चुके, अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी पीछे से हाइट हो गई है इसकी। ये देखो अब ये ऐसा दिख रहा है, पर अगर मैं जैसे सस्पेंशन डाउन करूंगा मतलब गाड़ी को, तो अपने आप ये डाउन हो जाएगा हल्का, बट क्या लुक आ रहा है यार, इतना ज़्यादा हाइटेड। और गाड़ी की आप ओवरऑल लेंथ देखोगे अभी आपको शॉर्ट सी लगेगी अभी, क्योंकि स्विंग आर्म जो है नीचे आ चुका है और ये ऊपर आ गया, तो थोड़ा गाड़ी शॉर्ट हो गई है देख रहे हो, पर गाड़ी की हाइट अच्छी खासी बढ़ गई है। तो अभी भावी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, पूरा मतलब पीछे का अभी चेन चक्का वेन चक्का सारी चीज़ें प्रॉपर करनी पड़ेगी, और आज एक बार स्टार्ट करके एक छोटा सा राउंड लेने की कोशिश करेंगे। वैसे तो वेदर काफ़ी ज़्यादा रेनी है, बट ट्राई करेंगे कि आज जो इसको चला ले कैसे भी करके, क्योंकि यार एक राउंड इसका मार के मेरे को देखना है गाड़ी बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई दिक्कत है कि नहीं गाड़ी में, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। और जैसे मतलब गाड़ी चलने लायक हो जाएगी ना, फिर अपने बॉडी का काम स्टार्ट करेंगे और लेते हैं इसकी एक राइड, और देखते हैं पहले फटाफट फिटिंग कर लेता हूँ, जो फिटिंग करना चाहता है। टाइम लैप्स देखो भाभी जुगाड़ में लगा हुआ है कि एयर फिल्टर उसमें लगाने के लिए, क्योंकि कोनिकल वाला हम लोग को लगाना है, बट अभी के लिए है नहीं, तो एयर फिल्टर खाली अपने स्पंज लगा देंगे लपेट के, वो काम हो जाएगा। तो करते हैं टाइम लैप्स को रोल।
सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिटिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। पीछे का व्हील हम लोगों ने फिलहाल के लिए मोटर वाला नहीं डाला है, जो स्टॉक 140 सेक्शन का है वो डाला है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत अभी दिक्कत है अभी भी गाड़ी में, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको बता दो कहाँ पे, यहाँ पे ये यहाँ पे टच होता है, यहाँ पे चेन ये वाली पोर्शन पे अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि बाहर ज़्यादा बारिश से बाहर बाइक लूँगा नहीं, और ये वाले गैरेज में सिर्फ एक ही लाइट है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना वो चीज़। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ये सस्पेंशन में देखो दोनों बाजू एकदम प्रॉपर गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी चलेगी, तब कोई मतलब टकराएगा वकराएगा नहीं कहीं पे, एकदम प्रॉपरली हो गया है, मतलब सस्पेंशन का काम हो चुका है कंप्लीट जो हाइट का करना था। जी भाई मेरे को लगा थोड़ा टाइम लगेगा बट पूरा दिन निकल गया इसमें, और आज मतलब कैसे भी मेरे को इस गाड़ी को चालू करना है, आपको मैंने बोला था इसको चालू करके बताऊंगा, तो आज चालू करके बताऊंगा, भगाएंगे नहीं मेरे भाई, सो कहाँ भगाएंगे आगे का ब्रेक पे, क्या यार कुछ भी बोलता है तू, भगाने के लिए अभी बहुत टाइम है इसको, पीछे का ब्रेक पीछे का डिस्क भी नहीं लगाया, मतलब डिस्क लगाया पर कैलिबर नहीं लगाया, वो बाद में लगाएंगे, अभी खाली एक टेस्ट राइड ले लेंगे इसका और पता चल जाएगा कि भाई मतलब पीछे से गाड़ी का क्या सीन है, अगर कुछ दिक्कत होगा तो आगे जाके उसको चेंज कर सकते हैं, बट एक बार अपने बॉडी फिट कर देने तो देयर इज़ नो वे रिटर्न, मतलब वापस से पूरा खोल के करने में जो आलस आएगा ना भाई उसका कोई कहीं कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि एक बार गाड़ी पैक कर दूंगा पूरी फिर वापस खोलूंगा फिर वापस ये सब करूँ वापस पैक करूँ लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और इसमें भाई बहुत खुश हो रहा है। क्या ढूंढ रहा है बैग में? नटबॉल बैग में भर के ले गया था तू? सो गाइस इतने दिनों के मेहनत के बाद फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब अपने अपनी पल्सर को चलाएंगे। पीछे से आपको कुछ ज़्यादा ही लंबा दिख रहा होगा बट उतना लंबा है नहीं, जब अपने पूरा फ्रेम में मतलब लगाएंगे ना पैनल तब एकदम सही हो जाएगा वो, और गाड़ी झुकी हुई कुछ ज़्यादा ही है, पर आज वो दिन आ गया फाइनली जब अपने अपनी पल्सर चलाएंगे। और तू खड़ी हो जा मैडम, यहाँ पे बाइक को हम लोगों ने किया है खड़ा, देख रहे हो पीछे से कुछ ज़्यादा ही ऊँची है, एक मिनट हैंडल पकड़ो भाई, वायरिंग पूरी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है और अभी खाली अपना छिपिया टाइट करना बाकी है, और मतलब इतने दिन का मेहनत जो था ना आज ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे रंग ला रहा है और धीरे धीरे मतलब ऐसा गाड़ी एक शेप में दिख रही है। बाकी पीछे से कैसी लग रही है बताओ, पीछे से कुछ ज़्यादा ऊँची नहीं हो गई भाविक? चलेगा? हाँ मस्त दिख रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ पीछे से कैसी दिख रही है, लास्ट वीडियो में डाला था तो आपने बोला था कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दिया आपने, अभी कुछ ज़्यादा ही ऊँची हो गई, कोई बात नहीं इस पर बैठेंगे तो पीछे से दबेगा ये, और साथ ही में अभी पैनल नहीं है ना, पैनल लग गया थोड़ा सा और मोटा दिखेगा ये, ठीक है। और ओवरऑल बाइक का लुक कैसा आ रहा है वो बताओ आप लोग पीछे से? कोई नहीं अभी पेट्रोल लगाते गाड़ी को बस स्टार्ट करते एंड फिर एक राउंड लेके देखते कैसा चल रही है, बाकी भाभी चलाएगा मैं तो चलाऊंगा नहीं इसको, इधर ही चलाएंगे ना मतलब अपने एरिया में ही, ठीक है। सो गाइस अभी ये फर्स्ट टेस्ट राइड होने वाली है, भाविक चलाएगा, भाविक का पैर पहुंच गया, सीट लगाए थे भाविक का पाँव नहीं पहुंचा था, सीट निकाल के भाविक का पाँव पहुंचाया। सीट में लगाने से एक्चुअली में क्या हाइट गाड़ी की बढ़ जा रही थी, हम लोग को ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे ही रखना पड़ेगा टैंक से, क्योंकि यार बहुत ऊँचा है 220 में, और एक बार बैठ के बता भाविक पैर रख उस पे, ब्रेक पे उस पे, हाँ ऐसा कुछ आ रहा है लुक, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताओ। अभी तो ब्रेक अपने KTM का लगाने वाले या तो फिर यही रखे आप बताओ, मेरे को तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, फिर भी पूरा मैच हो गया इसके साथ स्विंग आर्म के साथ। चालू कर गाड़ी, सेल्फ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, टेक्निकल फॉल्ट गाइस, भाई तो बैठ तो नहीं गया ना कुछ। बाइक चालू हो गई मेहनत के बाद भाविक के, तो अभी ये हेलमेट नहीं पहने क्योंकि इतने में ही चला रहे और लोकल में चला रहे तो अभी क्या हेलमेट पहनने का, वैसे मैं प्रमोट नहीं करता कि विदाउट हेलमेट राइडिंग को, बट खाली इतने में ही हम लोग चला रहे गाड़ी, ठीक है खाली टेस्ट के लिए। ब्रेक देखना सिर्फ आगे का ही है, भाभी बैठा टेढ़ा टेढ़ा बैठ क्यों बैठा है, ये चला लेगा ना फिर मैं एक बार चला के देखता हूँ कैसी चल रही है, मेरे को लगता है बाइक बंद करेगा, आपको क्या लगता है? नहीं चला लिया चला लिया, क्या दिक्कत आ रहा है, एक साइड खींच रही है ऐसा कुछ, हाँ भगाना मत स्लो ही चला के देख, हाँ पीछे से बाइक काफ़ी हैवी लग रही है, अपने स्विंग आर्म लगाया उसके चक्कर में वो गया भाई, क्या हुआ हवा कम है, हाँ हवा कम है कम है,
सो गाइज अभी मैंने एक शॉर्ट सा राइड लिया बाइक का और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने फिगर आउट की, मतलब बाइक अभी ओवरऑल चलने लायक तो हो गई है बट वो 220 वाली बात नहीं है अभी बाइक में, क्योंकि बाइक में अभी कार्बोरेटर का इशू है जो हम लोग को सॉल्व करना है। गाड़ी मिसिंग मार रही है, गाड़ी बंद हो रही है, कभी कभी वायरिंग में भी कुछ इशू है, मतलब बहुत दिन से गाड़ी खड़ी थी तो वायरिंग पे हम लोग WD-40 मार के सारी चीज़ें सही करनी बाकी अभी, तो वो भी चीज़ करनी है। और साथ ही में बाइक जब तू चला रहा तेरे को ऐसा लग रहा था गाड़ी एक साइड पर जा रही है, वो गाड़ी एक साइड पर जा रही है वो भी एक बार चेक करना है क्यों जा रही है। मेरे को लगता है कि स्विंग आर्म की वजह से जा रही है, तो स्विंग आर्म भी कल एक बार जो है प्रॉपर एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ अलाइनमेंट मेरे को बराबर दिख रहा है। आप लोग बोलो क्या क्या आपका राय है इस बारे में, बट टायर के सेटिंग मेरे को लगता है गलत किया हुआ। एक सेकंड लेट मी चेक, यहाँ पे है नंबर 1 पे और यहाँ पे है नंबर 3 पे। ओके इधर इसमें दिक्कत है एक्चुअली, इस टायर की सेटिंग थोड़ी ऐसी है, ऐसी हाँ टेढ़ी मेढ़ी है, इसके वजह से प्रॉपर चल नहीं रही है। ठीक है बाकी इसका जो चेन है यहाँ पे घुमा भाविक एक बार घुमा, देख रहे कुछ आवाज़ आ रहा है आपको, ये आवाज़ क्यों आ रहा है क्योंकि चेन जो है ना इधर इधर लग रही है, इधर यहाँ पे जहाँ पे अपने वेल्डिंग कराए थे। एक सेकंड हाथ छोड़ा, रुक जा ये देख रहे हो, देखो ये घिस रहा है ये जगह, कहाँ से दिखा आपको, ये देखो यहाँ पे अपने को रबर लगाना पड़ेगा। वो रबर एक्चुअली में हर बाइक में लगा रहता है, चेन उस पर घूमता है और वो हर बाइक में रहता ही है, मतलब वो टच होता ही है हर बाइक में, बस वहाँ पे रबर लगा रहता है, रबर के पैड्स तो उस पर सर्कुलेट होते तो आवाज़ नहीं आती, बाकी टच तो होता ही 100% हर बाइक में। बाकी चेसिस और स्विंग आर्म का काम हम लोग ने किया है, चेसिस इन द सेंस खाली हो जाओ, स्विंग आर्म के लिए मोनोशॉक के लिए जो बनाया था हम लोग ने क्लैंप, वो भी आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ कि किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रॉपर जैसे नॉर्मल बाइक में लगता है स्विंग आर्म, वैसे ही हम लोग ने इंस्टॉल किया है इसमें। यहाँ पे आपको बुशिंग दिखेंगे जो एक्चुअली में लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्टली उस पर लोड नहीं आता है, ये पूरा चेसिस और स्विंग आर्म दोनों प्रॉपर काम करते हैं इस पर, इसलिए ये इतना ज़्यादा सही है और सॉफ्ट है, इतना झटका नहीं लग रहा है। और ये स्विंग आर्म हम लोग ने R15 वर्जन 2 का यूज़ किया है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ना ये चेन चक्कर है डोमिनार या तो फिर RC390 का, और यहाँ पे आप चेन देख रहे हो ये भी है अपनी डोमिनार की चेन। आगे आप ये देखोगे ये 180 का ही है, मतलब ये चेन स्पॉकेट 180 का, एक बार घुमा टायर देखो, चेन कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि आपको दिक्कत दे रही है देखो। और ये जो आवाज़ सुन रहे ना ये बंद हो जाएगा जब हम लोग उधर पैडिंग कर देंगे, ठीक है। और चेन की आपको सैग भी बता दो, देखो कितना ज़्यादा सही है, मतलब इतना ज़्यादा लैग नहीं है। अभी इसको हल्का टाइट करेंगे ना, अभी देखो स्टेप 1 पे ही अभी पीछे जाएगा तो टाइट होगा, तो उतना ज़्यादा चेन टाइट होता जाएगा, बट मेरा मानना है कि इसको हल्का सैग ही रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे वरना चेन टूट जाएगी, क्योंकि गाड़ी में पावर आउटपुट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 220 है, तो उतना ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे वरना चेन टूटने का खतरा रहेगा। बाकी हम लोग ने देसी जुगाड़ किया है पेट्रोल के लिए, अभी टैंक को क्लीन करना चाहते हैं, या तो टैंक हम लोग ये रखेंगे कि नहीं उसका भी कोई अभी दिमाग में चल नहीं रहा डिज़ाइन को लेके। वैसे आपको मैं फोटो एक बार वापस बता दूं कि कुछ इस तरीके करने का हम लोग का प्लान है, बट कोशिश तो चल रही है कि वो ही करे, वहाँ तक पहुँच भी गए, मतलब बॉडी लैंग्वेज में जिससे उसकी बॉडी लैंग्वेज है सेम इसकी बॉडी लैंग्वेज करने में वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। आप खुद देख सकते हो कि आपको प्रॉपर स्विंग आर्म देखने मिलेगा, फ्रंट टायर प्रॉपर देखने मिलेगा, रियर टायर प्रॉपर देखने मिलेगा, फैट टायर्स देखने मिलेंगे, तो 140 इससे ज़्यादा मोटे टायर आएंगे, तो स्टॉक टायर है इससे ज़्यादा मोटे टायर आएंगे। एग्जॉस्ट में अंडर वाला एग्जॉस्ट नहीं लगाऊंगा, अंडर वैली एग्जॉस्ट वाला एग्जॉस्ट नहीं लगाऊंगा, इसमें हम लोग लगाएंगे एक्रापोई का एग्जॉस्ट जो R1 में लगता है, जो टाइटेनियम टाइप का आता है वो लगाएंगे, वो थोड़ा बड़े एग्जॉस्ट रहते हैं और बाइक के साथ ओवरऑल जो बाइक का जो हम लोग का है ना एग्रेशन, जो एग्रेशन से बाइक चाहिए अपने को वो उसके साथ पूरा मैच करेगा। तो एक शॉर्ट सा समरी था अभी तक का, मतलब क्या क्या हम लोग ने किया और कितना परसेंट हम लोग सक्सेस हुए ये चीज़ में वो भी आप लोग को बता देता हूँ। एक रफली पकड़ के चलो कि 40-50% अभी तक हम लोग हमारे पाथ पे चल चुके, अभी जो बाकी के 50% है वो हम लोग बॉडी को बॉडी डिज़ाइन और वो सब में जाएगा, कल से ट्राई करेंगे इसका बॉडी डिज़ाइन करने का, बट कल बॉडी डिज़ाइन तो करना स्टार्ट करेंगे बट बाइक में थोड़ा बहुत जो काम है वो भी एकदम प्रॉपर करना है, गाड़ी एकदम भागनी चाहिए, एक एक काम होना चाहिए इसका, तो वो भी कल वो चीज़ ट्राई करेंगे। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब आप लोग को भी ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है। अभी इस पर हम लोग सीट लगा रहे हैं ना, तो गाड़ी की सीट की हाइट है ना इतनी जरिए लेवल में टैंक है, बट हम लोग को चाहिए ये हाइट पे, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाला कट करके इसमें वो बिठाने के लिए अपना RC390 का जो सीट आता है ना वो बिठाने के लिए, सिंगल सीट आता है वो थोड़ा सही भी लगता है और लुक भी अच्छा आएगा उससे, देखते हैं यार वो आगे जाके बात करेंगे वो क्या चीज़ है क्या नहीं करना है वो डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। और आप लोग कमेंट करोगे क्या करना चाहिए, मैं बीच तो बोल दिया हूँ बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हार्ड टास्क है वो करने के लिए, अपने ट्राई करेंगे करने के लिए, ठीक है कुछ हद तक पहुँच पाएंगे, अगर कहीं भी 19-20 हुई तो माफ़ करना मेरे को वो चीज़ के लिए,
बाकी ये वाला फुटरेस्ट भी हम लोग यही रखने वाले। पूरा दिन में जो जो काम किया ना भाई, पूरा ऐसा लगा था कि सुबह उठेंगे सस्पेंशन को थोड़ा सा ऊपर करना है, क्या करना है, कटिंग करके ऊपर ले लेंगे, बट उसी में 3 बज गए। 3 बजने के बाद बाइक चालू करते करते 5 बज गए और अभी जस्ट 5:30 को हम लोग का सारा राइड वाइड सब कंप्लीट हुआ है बाइक का। बाकी इसमें ब्रेकिंग हम लोग ने ब्रैम्बो का इंस्टॉल किया है जो काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी इसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा कि ब्रैम्बो ब्रेकिंग इंस्टॉल कर रहे हैं उसका। और डिस्क भी इसमें थोड़ा सा बड़ा करना है और ये आ गई। क्या करने आई तू? ओए ठीक है, तो ये था आज का पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। जल्दी से चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को नहीं दबा दो बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि कभी भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और तब तक के लिए बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, पीस आउट।